दोस्तों, अगर आपके पास इन्फिनिक्स का मोबाइल है और आप अपने इन्फिनिक्स के मोबाइल में वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं, वॉलपेपर को बदलना चाहते हैं या नया वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे, तो इस वीडियो को देखते रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि इन्फिनिक्स के मोबाइल में, कोई भी इन्फिनिक्स का फ़ोन हो, उस मोबाइल में आप किस तरीके से वॉलपेपर को लगा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन में सेटिंग वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सेटिंग का एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, तो आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है वॉलपेपर का, तो आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको चार फोल्डर दे देता है और पूछता है कि आप इनमें से कौन से फोल्डर से फ़ोटो लेना चाहते हैं, उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर AI गैलरी है, मतलब कि आपके फ़ोन का जो गैलरी है उसके बारे में कह रहा है। यहाँ पर फोटोज़ दिया है, यहाँ पर वॉलपेपर दिया है, यहाँ पर वॉलपेपर्स दिया है, तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, गैलरी से अगर वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो गैलरी में चले जाइए। फ़ोटो वाला एक एप्लीकेशन होता है, उसमें से अगर फ़ोटो लेकर लगाना चाहते हैं तो उस पर चले जाइए। यहाँ पर वॉलपेपर दिया है, फ़ोन के अंदर जो वॉलपेपर होते हैं तो उसमें जाकर लगा सकते हैं। तो सपोज़ कि आपको वॉलपेपर से फ़ोटो लेना है तो आपको इस पर टैप करना है। टैप करेंगे तो आपके सामने आपके फ़ोन के अंदर जितने भी वॉलपेपर कंपनी की तरफ से दिया रहता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी अच्छा लगता है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पर वॉलपेपर देखने को मिल रहा है। सपोज कि दोस्तों कि आपको ये वाला वॉलपेपर अच्छा लग रहा है, तो आपको इस पर टैप करना है। टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अप्लाइज का, बस आपको इस अप्लाई पर क्लिक कर देना है। आप इस वॉलपेपर को ध्यान से देखिए, ये वाला वॉलपेपर हम अपने फ़ोन में सेट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक छोटा सा पेज ओपन होगा और यहाँ पर पूछेगा आपसे कि आप इनमें से किस पर अपना वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, होम स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं या लॉक स्क्रीन पर या दोनों पर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर आपको होम स्क्रीन पर लगाना है तो होम स्क्रीन सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको लॉक स्क्रीन पर लगाना है तो लॉक स्क्रीन सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको दोनों पर ये वाला वॉलपेपर चाहिए तो आप बोथ कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर बोथ कर देता हूँ, बोथ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए कंग्रेचुलेशन, आपका यहाँ पर सक्सेसफुली यह वॉलपेपर लग गया है। अब चलिए मैं आपको होम स्क्रीन पर दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको टैप करके चले आता हूँ अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला वॉलपेपर हमने लगाया था तो यहाँ पर सेट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन्फिनिक्स के मोबाइल में वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए